दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में बीती रात को डोनाल्ड बीस्ट घर के गार्डन एरिया में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दी। हालांकि दोस्तों डोनाल्ड को रोते देखकर तेजस्वी तुरंत ही वहां पर चली आई और डोनाल्ड को चुप करवा दिया। हुआ कुछ यूं था कि आपको बता दें कि बिग बॉस को शुरू हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं और डोनाल्ड बीस्ट घर वालों से काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जंगलवासी है वो दो अलग अलग ग्रुप में बंट चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड बीस्ट को किसी ने भी अपने ग्रुप में नहीं लिया है और घर के कंटेस्टेंट भी आपस में यही बातचीत करते हुए दिखाई दिए कि डोनाल्ड बहुत ही तेज है और ये किसी की सगी नहीं हो सकती, ये कभी भी अपना पासा पलट सकती है। जिसकी वजह से डोनाल्ड अब घर वालों से काफी परेशान हो चुकी है और अब इतना परेशान होने के बाद में डोनाल्ड का घर के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, जिसकी वजह से उनको अपने घर की याद सताने लगी और वो गार्डन एरिया में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए नजर आई। हालांकि दोस्तों इस दौरान वहां पर विधि पांड्या और तेजस्वी तुरंत ही दौड़ी चली आई और रोती हुई डोनाल्ड को देखकर उसके साथ मस्ती करने लगे। पहले तो तेजस्वी ने एक बहन की तरह बड़े ही प्यार से डोनाल्ड को समझाया कि देख अभी तुझे केवल 4 ही दिन हुए हैं और 4 दिन में कोई भी किसी का नहीं हो सकता, अभी धीरे धीरे रुक जा, सबकी सच्चाई हमारे सामने आने लगेगी, उसके बाद देखना सब तेरे अच्छे से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन तू इतना परेशान मत हो, बिग बॉस है ना यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी की ये सारी बातें सुनने के बाद में डोनाल्ड को ये एहसास हुआ कि चलो कोई तो यहाँ पर अपना दोस्त है, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिलहाल दोस्तों तेजस्वी की बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस के सीजन 15 की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।